हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक अचूक तंत्र क्रिया लेकर के आया हूँ। दीपावली भी बहुत नज़दीक है, शुभ दिन भी है, और उसी दिन दीपावली की रात में ये क्रिया आपको करना है। क्या है आज की शीर्षक? आज की शीर्षक है तेजपत्ता से सर्वजन को करे वशीकरण। ये तो आपको अचंभा लग रहा है कि तेजपत्ता से कैसे वशीकरण किया जा सकता है किसी को भी। सबसे बड़ा बात क्या है कि तंत्र विद्या में षष्क्रम विद्या होती है, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विधिवेशन एवं आकर्षण, ये छह क्रिया पर तंत्र कार्य चलता है। और उसी में एक क्रिया होता है आपको रासायनिक क्रिया, कि किसी भी तरह से केमिकल को मिला करके, किसी भी तरह से केमिकल कॉम्पोजिशन को दे करके किसी का भी मति को आप बदल सकते हैं। तो ये मेरा आज एक खोज है, और ये मैं चाहता हूं कि मेरे खोज का आप लोगों को लाभ मिले। लेकिन कैसे करना होगा ये क्रिया, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए, तेजपत्ता से सर्वजन को करे वशीकरण कैसे। दीपावली के दिन में आप तेजपत्ता खरीद करके रखिएगा, और केसर, गुलाब जल, ये इसको लेकर के एक छोटा सा कोई चांदी का पात्र अगर हो तो अच्छा है, और नहीं तो ताम्र पात्र में ही, मतलब कि तांबे का कोई लोटा हो, चाहे कोई कटोरा हो, चाहे कोई प्लेट हो, उसमें जो है केसर को गंगा जल से घोल करके स्याही बना लीजिएगा, और उस स्याही को बनाने के बाद अनार का डाली से कलम बनाइएगा, उसको ब्लेड से नुकीला बना लीजिएगा, जैसे हम लोग पेंसिल छीलते हैं उसी हिसाब से, तो उसको कलम बना लीजिएगा। और दीपावली के दिन में रात को समय में माता लक्ष्मी की जिस जगह पे आप आराधना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की जहां पर तस्वीर रख कर पूजा कर रहे हैं, जहां पर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, उस जगह पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाए, और 11 पीस तेज पत्ता में उस स्याही से, केसर गंगा जल से घोल करके जो आप स्याही बनाए थे, उस स्याही से ये मंत्र को लिखिएगा। मैं उस मंत्र बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडे सर्व जनस्य माम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रक्त चामुंडे सर्व जनस्य माम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रक्त चामुंडे सर्व जनस्य माम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये इस मंत्र को उस तेज पत्र पर या तेज पत्ता पर लिख लीजिएगा, 11 तेज पत्ता पर ही। उसके बाद इस मंत्र को आग के सामने में, तेज पत्र को रख करके आग के सामने में आपको ये देख करके ये मंत्र को जाप करना है, और इस मंत्र को 108 बार जाप कर लीजिएगा। आप करने के बाद इस तेज पत्ता को किसी पवित्र जगह में रख दीजिएगा, और उसके बाद घर में जब भी आप कोई चाय वगैरह बनाते हैं
तो आपके जैसे मान लीजिए सास बहु में नहीं पट रहा है, पति पत्नी में मेल नहीं हो रहा है, ननद भौजाई में परेशानी हो रहा है, तो ये काम कीजिएगा कि उस तेज पत्र को रोज एक ठो तेज पत्र लीजिएगा और चाय के साथ में खौला करके उस चाय को आप सभी को पिला दीजिएगा। ये क्रिया 11 दिन करने से ही आपके घर में आपके प्रति सब कोई वशीकरण हो जाएगा और ये बहुत ही चमत्कारिक गुण है तेजपत्ता के अंदर में। तेजपत्ता चूंकि बहुत स्वादिष्ट चीज भी है और उसके साथ में ये तंत्र क्रिया अगर लग जाए तो आप किसी को भी जो है सामूहिक रूप से सर्वजन वशीकरण कर सकते हैं। ये मेरा अजमाया हुआ चीज है। अगर मेरे वीडियो पसंद लगा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगेगा, अगर लगेगा तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके सामने हमेशा प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये इसी वक्त कर सकता हूँ। और यही कामना के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।